हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कि हम जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर या के अंदर कोई भी टेक्स्ट फ्रेम होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके नीचे टेक्स्ट ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जो नीचे बॉटम डालते हैं, डबल टेक्स्ट यूज करते हैं, उस टेक्स्ट इफेक्ट को हम इंडिजाइन में शेडो जो इफेक्ट है, ड्रॉप शेडो है, उसके द्वारा कैसे अचीव कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर रेड बॉर्डर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, इसके ऊपर डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये कॉपी किया मैंने। अब मैं चाहता क्या हूँ कि रेड बॉर्डर लिखा हुआ है, इसके नीचे ब्लैक शेडो जैसे यूज करते हैं आप, वो आ जाए। तो उसके दोस्त हम करते क्या हैं, हम लोग एक कॉपी इसका लेंगे, एक कॉपी इसकी और बनाते हैं। तो मैंने ऑल्ट और अपना जो लेफ्ट एरो है, मैंने इसको यूज किया। अब इसके बाद हम टाइप टूल लेंगे। टाइप टूल लेने के बाद आप सम टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैं पूरे पूरे टेक्स्ट को, और इसको कर दिया ब्लैक। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने इसको ब्लैक कर दिया। अब ये एक टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट रखा हुआ है हमने यहाँ पे, और हम इसको कंट्रोल शिफ्ट और जो ब्रैकेट्स हैं उसको यूज़ करके हम इसको सेंड टू बैक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ आप मेनू कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको अरेंज में जाइए, अरेंज करेंगे सेंड टू बैक। आप ये कंट्रोल शिफ्ट और बैक ब्रैकेट जो है उसे यूज करेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कहा हम जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है, उसको हम एरो की से हल्का हल्का मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये कर लिया। तो हम इस प्रकार से जो भी शेडो इफेक्ट होता है, या इंडिजाइन के अंदर, इंडिजाइन में भी हुआ या कोरल ड्रॉ में भी हुआ, हम इसी प्रकार से शेडो इफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आज की जो टिप बताने वाला हूँ आपको, मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट नहीं यूज करूँगा, सिर्फ एक ही टेक्स्ट यूज करूँगा, और उसके अंदर हम शेडो स्टाइल से ये इफेक्ट डालेंगे। आज मैं उसके बारे में बात करूँगा कि आप उसको इंडिया के अंदर उस प्रकार का टेक्स्ट जो है वो किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करिए और यहाँ पर जाइए आप, आप टेक्स्ट में यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको जो पॉइंटर टूल है उसे, जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप आइए यहाँ पर एफएक्स पे। एफएक्स में आप ऑप्शन देखते हैं ड्रॉप शेडो का, आप ड्रॉप शेडो पर क्लिक करिए। ड्रॉप शेडो पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेनू खुल जाता है, और इसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स, इसका प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। आप प्रीव्यू ऐसे ऑन करेंगे आप यहाँ पे, आपको स्क्रीन पर शेडो दिखाई देगी, आप यहाँ शेडो देख पा रहे हैं। लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पर शेडो इफेक्ट नहीं यूज करेंगे, हम इसको करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट। जब कोई जो शेडो यहाँ डली हुई है ऑब्जेक्ट पे, इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ कोई टेक्स्ट ना हो, और हम इसको यूज़ करेंगे और टेक्स्ट पे। टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऑन करेंगे। ये हम जो सिर्फ टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे हम बॉर्डर डाल रहे हैं, ना कि हम पूरी जो बॉक्स फ्रेम है उसके ऊपर टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो जो शेडो डाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद अब दोस्तों, वो शेडो आई हुई है। अब शेडो आने के बाद हम जो स्प्रेड है, स्प्रेड को करते हैं 100%। 100% कर दिया हमने इसको यहाँ पे। इसको करने के बाद अब जो डेप्थ है, जो डिस्टेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे करते हैं 1 mm। ठीक है दोस्तों, और ऑफसेट को कर देते हैं दोनों को हम 0 0। अब यहाँ आने के बाद अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे जो साइज है, साइज को भी 0 कर देते हैं एक बार को, 0 साइज भी 0 कर लिया। अब डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, एक हम करते हैं इधर, आइए इधर जाना है, इधर हम एक्स को इधर बढ़ाते हैं और वाई को इधर बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब ये जो आप यहाँ शेडो देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल उसी की डुप्लीकेट कॉपी है। लेकिन इसमें क्या है कि हमने कोई डबल टेक्स्ट फ्रेम यूज नहीं किया है, और इसे हमने यहाँ पे जो ऑपेसिटी है, जो 100% आप ब्लैक दिख रहा है, 100% ब्लैक नहीं दिख रहा, तो आप इसको भी यहाँ पे 100% ब्लैक कर दीजिए। ये देखिए, अब इस जो ड्रॉप शेडो इफेक्ट है, हम सिर्फ ब्लैक में ही नहीं कर सकते, आप जो चाहे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई को यहाँ आप नॉर्मल करिए, सो दैट अगर इसके नीचे कोई इमेज भी आ रही हो या कोई बैकग्राउंड भी आ रहा हो तो ये कलर मल्टीप्लाई ना हो। और जब हम चाहें तो इसका कलर भी, आप चाहें तो येलो भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, ये ब्लैक भी कर सकते हैं, जो जो आप कलर करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे कोई कलर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, ओके करने के बाद अब यहाँ पे कोई दो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल लेयर यूज की हुई है मैंने सिंगल। अब इसको हम टेक्स्ट बदलते भी हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बदल रहा हूँ, ये बार माई फ्रेंड कर दिया मैंने, मैंने इसको टेक्स्ट में पूरा खोल दिया। तो आप देखें कि जो टेक्स्ट लिख रहा थी, आप सिर्फ आपको एक ही बार टेक्स्ट टाइप करना है, ना कि दो बार, क्योंकि जो जैसे कि हमें इस केस में करना पड़ता, अगर हमें टेक्स्ट बदलना पड़ता या करना पड़ता, तो हमें ये चीज़ें दो बार टाइप करनी पड़ती, एक बार जो ऊपर लेयर उसके लिए, फिर जो उसके नीचे लेयर उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये टिप मेरी आज की टिप थी कि हम इन डिजाइन के अंदर
जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के नीचे हम शेडो जो यूज करते हैं उस शेडो का प्रयोग करके डबल लेयर टेक्स्ट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये टिप आपकी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। उसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको, जैसे कि आप मेरे को वीडियो भी देख रहे हैं, मैं जैसे वीडियो जैसे मेरा चैनल है ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जहाँ चैनल सेटिंग लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे सब्सक्राइब दिखाई देगा, आप मेरे चैनल को वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप को मेरे होम पेज पे आना हो, जैसे कि मैंने भी देखा, तो आप यहाँ मेरे होम पेज पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि ये है यहाँ पे जैसे खुला हुआ है, ये मेरा होम पेज खुला हुआ है। और आप यहाँ आने के बाद मेरे पास जितनी वीडियो मैंने इंडिपेंडेंट चैनल पर डाली हुई है सारी वीडियोज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसकी जो आपका लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन हैं इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, सो दैट कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं पोस्ट करूँ। और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो मैं भी नई वीडियो में डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके इनबॉक्स में मिल जाया करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।